द चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नीट बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था कि एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के ये कमेंट आए थे, डाउट्स थे कि बता दो कैसे हमें अप्लाई करना, स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड कर दो, कौन से कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन हो गए उन पर एक अलग वीडियो बना दो, किस में नहीं हुए हैं वो बता दो। तो जितने भी डाउट्स थे आप सभी के सभी मैंने कैप्चर किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आप सभी के जो जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे सभी को यहां पर सोल्व करने वाली हूं। तो आप लोगों को जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नीट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो आप लोग सबसे पहले अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो अपना स्कोर कार्ड आप लोग डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपना स्कोर कार्ड आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बिकॉज वही यहां पर ज्यादा जरूरी है एडमिशन के लिए, उसके बाद आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट्स रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है, इवन दो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पहले भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। मैं सभी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स आईपीयू के बारे में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टूडेंट आईपीयू जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में सिचुएटेड है स्टूडेंट, इसके अंडर या फिर मैं बोलूँ कि जिस इससे जो एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग सिंपली आईपीयू के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो ये जैसे कि मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी है तो इससे 4-5 कॉलेजेस जो है एफिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग उनमें भी गवर्नमेंट सीट ले पाएंगे बीएससी नर्सिंग में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। एक बार आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई करना है, आप लोगों के सामने जो है सभी फॉर्म हो जाएंगे स्टूडेंट। एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आईपीयू के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आईपीयू के एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग फिल कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज स्टूडेंट्स अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ने पहले ही निकाल दिए थे एंड मैंने आप सभी को यहां पर इन्फॉर्मेशन दी थी कि एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया आप लोग अप्लाई कर दो। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बंद हो चुके हैं, अभी जो बस्ती है एबकॉन की वो बस्ती है स्टूडेंट काउंसिलिंग, एंड काउंसिलिंग में जो भी यहाँ पर प्रोसेस रहेगी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड करती रहूँगी। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें स्टूडेंट्स रैकोन के बारे में, रैकोन में काउंसलिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ चुका है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने रिसेंटली काउंसलिंग से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस यहां पर रिलीज किया है, जिसमें रैकोन ने बताया है कि हमारी जो काउंसलिंग रहेगी, जो बीएससी नर्सिंग के लिए हम लोग एडमिशन लेते हैं वो काउंसलिंग जो है एमसीसी करवाएगा, मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो काउंसलिंग यहां पर करवाने वाली है। तो आप लोगों को अगर रैकोन में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे ही नीट की काउंसलिंग होगी तो सभी के सभी बच्चे एमसीसी के लिए अप्लाई करेंगे, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को भी सेम यहां पर करना होगा। आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि आप लोग MBBS BDS के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को अप्लाई कर देना होगा स्टूडेंट, वही फॉर्म जो कि सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही फॉर्म आप लोगों को अप्लाई करना है, कोई यहाँ पर अदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी स्टूडेंट्स MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली, तो आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स, दैट इज LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग LHMC में जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में जो है फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, विद इन यहाँ पर 1 से 2 दिन में LHMC के एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जितने भी लिंक होंगे स्टूडेंट्स मैं आप सभी के साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगी, डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।